अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया था पहला चैप्टर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में नर्वस सिस्टम को स्टार्ट किया था और ह्यूमन नर्वस सिस्टम के पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिस्कस किए थे। आज का टॉपिक है न्यूरॉन और नर्व सेल, जिस तरह तमाम जानदारों के साफ और फेल की बुनियादी इकाई सेल है, उसी तरह न्यूरॉन और नर्व सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन या नर्व सेल नर्वस सिस्टम के। न्यूरॉन और नर्व सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के तमाम हिस्से, उनमें क्या क्या था भाई? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम आर न्यूरॉन आर नर्व सेल। आर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज, न्यूरॉन पैगामात की तरसील करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। बल्कि कीमियाई वेव की शक्ल में न्यूरॉन पैगामात की तरसील करते हैं, जिन्हें नाम दिया जाता है नर्व इंपल्स का। न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव कॉल्ड नर्व इंपल्स। न्यूरॉन और नर्व सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। All parts of the nervous system, brain, spinal cord and nerves are made up of neuron. Neuron transmit message. Neuron पैगामात की तरसील करते हैं, transmit तरसील करना, in the form of electrochemical waves, बल्कि कीमियाई waves की शक्ल में, जिन्हें नाम दिया जाता है nerve impulse का। उसके बाद है structure of neuron, neuron की बनावट। Structure of neuron में सबसे पहले भाई हमारे पास जो हिस्सा है वो है ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा जो मुश्तमिल होता है न्यूक्लियस और मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म के ऊपर। द पार्ट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का हिस्सा विच कंटेन्स न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस और ज्यादातर साइटोप्लाज्म रखता है। साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक मेटीरियल इन साइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जेली की तरह का मादा, उसे हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। हमने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां पे ये जो सारा पार्ट है, ये जो सारा हिस्सा है, ये जो मेम्ब्रेन झिल्ली जा रही है, इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। ये वाला पार्ट सारा का सारा, ये समझो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसी के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मौजूद है। द पार्ट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का हिस्सा विच कंटेन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म रखते हैं, इस हिस्से को हम नाम देते हैं सेल बॉडी। द पार्ट ऑफ न्यूरॉन which contains nucleus and most of the cytoplasm are called cell body, cell body कहलाता है। और the fine projection of the cell body के ऊपर एक उभार है, projection है। द फाइन प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी विच रिसीव मैसेज, जो पैगामात को वसूल करता है, आर कॉल्ड एंड्रॉइड।
डेंड्राइट कहलाता है। क्या है भाई डेंड्राइट? द फाइन प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी। Which receive message, जो पैगामात को वसूल करता है आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स कहलाता है। उसके बाद है लॉन्ग प्रोजेक्शन, एक लंबा उभार। अ लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी, सेल बॉडी का एक लंबा उभार। ये जो लंबा उभार जा रहा है इसे हम नाम देते हैं एक्सोन। अ लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी, सेल बॉडी का एक लंबा उभार। अब ये जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है वो है हमारे पास एक्सोन। ये एक लॉन्ग प्रोजेक्शन है। लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी, सेल बॉडी का एक लंबा उभार। विच कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जो सेल बॉडी से दूर पैगाम को ले जाता है उस हिस्से को हम एक्सोन का नाम देते हैं। अ लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी, अ लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी विच कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सोन कहलाता है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। न्यूरॉन आर नर्व सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव कॉल्ड नर्व इंपल्स। उसके बाद था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की बनावट, न्यूरॉन की साख। सबसे पहले सेल बॉडी, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच कंटेन्स न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल बॉडी। डेंड्राइट, अ फाइन प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी विच रिसीव मैसेज, जो पैगामात को वसूल करता है, रिसीव करता है, उसे हम डेंड्राइट का नाम देते हैं। उसके बाद है एक्सोन, अ लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी, सेल बॉडी का लंबा उभार, लंबा प्रोजेक्शन। विच कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जो सेल बॉडी से दूर पैगाम को ले जाता है उसे एक्सोन का नाम देते हैं। अब टर्मिनल एंड ऑफ एक्सोन, एक्सोन के आखिरी हिस्से, आखिरी सिरे। टर्मिनल एंड ऑफ एक्सोन ट्रांसमिट मैसेज पैगाम की तस्वीर करती है टू द नेक्स्ट सेल, अगले सेल की तरफ। टर्मिनल एंड ऑफ एक्सोन, अब ये जो हिस्से है ये इसके टर्मिनल एंड है। टर्मिनल एंड ऑफ एक्सोन ट्रांसमिट मैसेज टू द नेक्स्ट सेल, एक्सोन के आखिरी सिरे, आखिरी हिस्से, नेक्स्ट सेल की तरफ पैगाम की तरसील करते हैं। टर्मिनल एंड ऑफ एक्सोन ट्रांसमिट मैसेज टू द नेक्स्ट सेल। दोबारा सुन लें स्ट्रक्चर, सेल बॉडी द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच कंटेन न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल बॉडी। डेंड्राइट, अ फाइन प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी विच रिसीव मैसेज आर कॉल्ड डेंड्राइट। अ लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी, सेल बॉडी का लंबा उभार। विच कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जो सेल बॉडी से दूर पैगाम को ले जाता है इज कॉल्ड एक्सोन। टर्मिनल एंड ऑफ एक्सोन, एग्जाम के आखिरी सिरे, ट्रांसमिट मैसेज टू द नेक्स्ट सेल। ये था भाई आज का हमारा टॉपिक, न्यूरॉन और नर्व सेल का डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन।